नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार जो कि इस समय फिल्म AK-61 की शूटिंग में व्यस्त है और बैंकॉक में इस फिल्म का एक बड़ा शूटिंग शेड्यूल होगा। जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेज वहां पे फिल्माए जाएंगे। बड़ी जबरदस्त फिल्म इसको बताया जा रहा है और इसमें नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों किरदार में अजीत कुमार नजर आने वाले है। ये फिल्म अभी कम्प्लीट नहीं हुई, इसकी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये मकर संक्रांति के अवसर पर यानी कि नेक्स्ट ईयर January 12 या 13 को रिलीज की जा सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा अजीत कुमार की अगली फिल्म के बारे में भी एक खबर आ रही है ऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से कि, और ये फिल्म AK-62, अभी इसका टाइटल तय नहीं है लेकिन AK-62 शायद इसका टाइटल हो सकता है। और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को साइन करने की चर्चाएं जोरों पर है और लगभग ये ऑफिशियली रिपोर्ट है कि ऐश्वर्या राय बच्चन इसमें अजीत कुमार के साथ नजर आएगी, साउथ के सुपरस्टार के साथ। इससे पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन अजीत कुमार के साथ काम कर चुकी है। 2000 में उनकी एक फिल्म आई थी कांडू, ऐसे इस नाम से कोई एक फिल्म थी जिसमें अजीत कुमार के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन थी। राजीव मेनन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो कई वर्षों के बाद में, लगभग 22 वर्षों के बाद में ऐश्वर्या राय बच्चन तथा अजीत कुमार फिर से एक बार रुपैले पर्दे पर साथ में दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विग्नेश है वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और ये फिल्म AK-61 के कम्प्लीट होते ही तुरंत इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट ईयर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। और आपको कई वर्षों के बाद में, 22 वर्षों के बाद में अजीत कुमार तथा ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई देने वाली है, ऐसी खबरें आ रही है ऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से। अभी तक इसकी पूरी कंफर्मेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, पूरी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है वो अभी तक ये नहीं हुई है, लेकिन ये खबर जोरों पर है कि अजीत कुमार की नेक्स्ट फिल्म में उनके अपोजिट ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।